हरि ओम श्रीमान महागणाधिपतये नमो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाय नमो नमः। ओम श्रीं जगन्नाथादि चतुर्धामूर्तये नमो नमः। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। कलिया सांतंग चरणारविंद जुगलरे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मणिमा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जनंकु विष्णु प्राय मणे नमई तहांक चरणे तुंडे बोलई हरि हरि। भो जगन्नाथ दैतारी, भो जगन्नाथ दैतारी। आपण मानंग चरणारविंदरे यकिंचन कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत। प्रियात्मन एकविंश अध्याय श्री श्री कृष्ण उवाच। मासक शक्ति जार नाही त्रिदिन स्नान कले से ही अमास्या द्वादशी पूर्णिमा एतिकी स्नान फले सहमा अथवा मास शेष तीनी स्नान आचरी फल घेनी। नैमिषारण्य सुतंकु मध्यगत करी सौनकादि ऋषि मुनिगण माने ए पवित्र अधिमास मलमास पुरुषोत्तम मास रजत बले आगमन हेचंती। ए अधिमासर महात्म्य ए अधिमास संबंध रे जानिबा पाए सौनकादि ऋषि मुनिगण माने से सुतंकु बहुविध प्रकार प्रश्न पचारिचंती जहा कि आम मानंकर मानव समाजर कल्याण उद्देश्य रे ए प्रश्न को से पचारिचंती। एवं सरक सौरकादि ऋषि मुनिगण मानंकर एमंत प्रकार भाव विहोल प्रकार मनरे भावना विचार को देखी बड़ उल्लसित भाव रे सुत प्रसन्न वदन रे ए पवित्र अधिमास मलमास पुरुषोत्तम मासर महात्म्य को से निजर द्वारा ही से व्यक्त करुछ। एवं सुत जो प्रसंग कहुचंती जो प्रसंग रे भगवान एवं स्वयं महालक्ष्मी का भितरे जो वार्तालाप जो कथोपकथन जो मां का बना भितरे अनेक संदेह आसुचि से ए अधिमास पुरुषोत्तम मास मलमास संबंध रे एवं एवं आम मानंकर जेते जेते जहा हो जेते अल्प करे पछे हो किमिति कल्याण उत्पन्न हब ए अधिमास रे आमे पुण्य फल अर्जन करि पारिबा से कथा को महाप्रभु को से पचारुछन। महाप्रभु निजे तांकर मुखपद्मात विनिस्रुता जा स्वयं पद्मनाभस्यम मुखपद्मात विनिस्रुता तांकर मुखारविंदरु ए वाणी प्रकट होइथिबारु एवं एवं भगवान स्वयं यहा कहिथिबारु तेनु ए अधिमास बड़ पुण्यफल मास। भगवान कहुचंती हे कमली कमलिने हे माज पद्मालया तुम्हें जानी थो ए मासरे किछे नकले मध्य जहार कौनसी शक्ति नहीं त्रिदिन जदि से स्नान कला से पुष्करणी रहो नदी रहो तीर्थरे हो स्वगृह रहो दैनदीन स्नान सकाळ आमे स्नान करि पकले ना आउ गोटे स्नान हबो जा अधिमास जनित स्नान अधिमास पुण्य फल अर्जन करिबा पाए तहा स्नान तेल लगेबे नाही साबुन लगेबे नाही
आ तेल साबुन शांपू लगे तुम स्नान कर तैल बर्जन करें तैल निषेध तैल बर्जन साबुन विविध प्रकार सब यहाँ लगे ना अत्यंत शुद्धपुर भाव शुद्धपूत भाव में ब्रह्म मुहूर्त रु शज्जा त्याग करी तदपूर्व दिन भगवान पुरुषोत्तम को स्मरण पूर्वक चिंतन पूर्वक जदि आम प्रात समय त्रिदिन यही अधिमास आम तीन दिन स्नान करवा कौदिन ना अमावास्या एवं द्वादशी एवं पूर्णिमा प्रथम पड़वा आमर पूर्णिमा द्वादशी तो जोड़िए पड़ अमलमास गोटे पृष्ठ गोटे शुक्लपक्ष द्वादशी गोटे कुष्ठपक्ष द्वादशी एवं पूर्णिमा तो मल पूर्णिमा गोटे एवं मल अमावास्या गोटे आम पूर्णिमा रे हूँ अमावास्या रे हूँ बा द्वादशी तिथि रे हूँ ये तीन दिन मान मध्य जदि आम स्नान करवा त्रिदिन त्रिदिवस तेबे तार फलर सीमा कौनसी ना बिली भगवान कहते अथवा मास शेष तीन स्नान आचरी फल घेनी जदि नहला ए अधिमासर जो अंतिम तीन दिन रहिले त्रयोदशी चतुर्दशी अमावास्या ए जो तीन दिन रहिला ए त्रिदिन जदि आम स्नान करवा मध्य तेबे मध्य आमे अनंत कोटि पुण्य फल प्राप्त हवा प्रथमे स्नान सुखे पाई द्वितीय दीर्घा युलभई तृतीय धन करे दान एहार अछि उपाख्यान भगवान कहते प्रथम स्नान द्वारा मनुष्य सुख प्राप्त होता है मनुष्यर जीवर चरम लक्ष्य कौन घर करवा सुना किणवा रसगोला खाइबा लुगापटा पिंधिबा विवाह करवा व्रत करवा मनुष्यर चरम लक्ष्य कौन आपणकर हो मोर हो साधुंकर हो सन्यासींकर हो रजांकर हो प्रजांकर हो कहार मूल लक्ष्य कौन जीवनर चरम लक्ष्य होउछि आनंद उपलब्धि करवा आनंद ही जीवर चरम लक्ष्य परमानंद सुख पाई ए जीव सदा भ्रमु थाई ए जीवर आउ कौनसी आकांक्षा नहीं ए जीवर कौनसी आउ चिंता ही नहीं केवल सुख प्राप्ति ही जीवर परम लक्ष्य आपण आमे कौन चाहू प्रति मुहूर्त रे प्रति समय रे प्रति क्षण रे आमे आनंद ही उपलब्धि करू आमे आनंद ही चाहि थाउ आमे एसी घर करूछे काई की ना आनंद रे सोइबा ना दुख रे सोया को करूछे आमे जहां भी आम जीवन रे कर्ममय जीवन रे आमे कर्म करूछे से समस्त कर्मर एकमात्र लक्ष्य हला आनंद उपलब्धि करिबा तेणु प्रथम स्नान सुख पाई भगवान कहते जो आनंद पछरे मनुष्य सदा सर्वदा नित्य दौड़ू भ्रमुची से आनंद पीड़ब कौना प्रथम स्नान कले द्वितीय स्नान कले दीर्घायु प्राप्त हो आयुष्मान हेबे बहुत दिन बंचिबे जो बंचिबा को जो चरम आमर लक्ष्य आम तो सदा सर्वदा बंचिक रही पार नहीं किंतु समस्त इच्छा आम टे बेसी दिन बंचवा निश्वास नहीं ताकु नहीं विश्वास केत पलैब आ बंद हो प्राण रही आगु को बढ़ी पार नहीं तेणु ये निश्वास चली था तृतीय धने लाभरे फल तृतीय धन एवं यार तेणु जो तीनो स्नान करवा गोटे आम आनंद लाभ करवा प्रथम स्नान रे द्वितीय स्नान रे दीर्घायु प्राप्त हवा तृतीय स्नान रे धन प्राप्त हवा यार गोटे हे महालक्ष्मी हे कमलिनी गोटे उपाख्यान मु सुनाऊछि तबे श्रवण कर दक्षिणे गौतमी रती रे पूर्वे से प्रतिष्ठान पूरे पंडित मंडित नगर धर्म शर्मा जे वास करे से काले अधिमास आसे समस्त प्राणी स्नान आसे बुद्ध धर्मु चिंता करी मासक स्नान परहरी मास शेषरे तीन दिन
करिला स्नान और पालन। दक्षिण नदी तटरे गौतमी नदी विराजमान करिछन्ति, अत्यंत पुण्यतया नदी गौतमी नदी। एवं सेठार गोटे नगर प्रतिष्ठान गोटे नगर अच्छी जोठार पंडित माने ही ब्राह्मण माने बास करती, ब्राह्मण शासन। धर्मशर्मा नामक जने ब्राह्मण मध्य सेठी, अनेक ब्राह्मण मानक मध्य से अन्यतम ब्राह्मण अटंती। जेतेबेले अधिमास आसे समस्त भक्त माने लोक माने गौतमी नदी रे जाई स्नान करिबा पाए स्नान करंती। वृद्ध ठु आरंभ करी युवक ठु आरंभ करी समस्ते अत्यंत पुण्य पद मास पुरुषोत्तम मास। तेणु मासक स्नान परहरि मास शेषरे तीन दिन करिला स्नान र पालन। तृतीय दिन र स्नान सारी गुहारी मुखे यात्रा करी। तीन दिन जाक ब्राह्मण जने ब्राह्मण धर्मशर्मा जे से निजे मासर अधिमासर तीन दिन स्नान करी, तृतीय दिन दिवसर स्नान करी महाप्रभु को प्रणाम करी निजर स्वगृह को गृहाभिमुखे यात्रा आरंभ करी। तृतीय दिन र स्नान सरी गृहाभिमुखे यात्रा करी देखिला पथे भयंकर प्रेतात्मा कंकाल शरीर रक्ताक्ष कुशधर धावई आहार वाकुल। धर्मशर्मा जेतेबेले जाउचन्ति त्रिदिनात्मिक व्रत पालन करी त्रिदिन स्नान करी स्वगृह को यात्रा करुछन्ति, सेतेबेले देखिला गोटे पिशाच अत्यंत रक्त कटाक्ष लोचन रे तांको अनै हा हा हो 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 हे हां से तांको पछरे आगरे हेकिर दौड़ुछि। धर्मशर्मा देखिले कहले किए परि विकटाल शब्द करुछि, विकटाल रड़ी किए करुछि। अनैले टिके निरीक्षण कले, निरीक्षण तले करि देखिले पिशाचि अत्यंत विकट वर्ण रक्त लोचन बेढ़े दांत विराट पिशाचि के तले देखिछन्ति। धर्मशर्मा जाइ पचार कले जाइ पहुँचे गले तांको पाखे कले आपण किए। प्रेत उवाच विनय कर पत्र जोड़ी विप्रंक पाद पद्मे पहड़ी। जेतेबेले विप्रं को देखिदेले पिशाची से आश्चर्य आनंद गदगद होइगले एवं विनय रे करपत्र जोड़ीण नतमस्तक होइण से विप्रंकर पाद पद्म को धरी सेठी पड़ीगले शरण पशु। हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, मु पिशाची आपणंक चरणारविंद रे मु समर्पित होची शरण पशुची, मते आपण शरण दियंतु मते आपण रक्षा करंतु। भविप्र मु प्रेत प्रेतटई शोसाने वासे मुहि थाई मुठारे विप्र कृपा कर एही न जन्म मते उद्धार। विप्र को जो विप्र पहुँच गले तमें किए से पिशाच कौचि देले पाद पद्म तले आसी पड़ी पाद को धरी कहले मु होची हे हे विप्र तमें मते कृपा कर मते ए हीन दी दे जो हीन जन्म मु पाई ए जन्म रु मते उद्धार कर। आमे भलो कर्म करिबा आमे भलो जन्म लाभ करिबा, आमे सतेकी उत्तम कर्म करिथिबार प्रिय आत्मनंग हे मानव समाज गण माने आमे सतेकी उत्तम कर्म करिथिबार आमे मानव जीवन लाभ पाइछे, मामन मानव जन्म लाभ करिछे। आमे जदि एही जन्म रे जदि आमे आमे नीच कर्म करिबा आमे प्रेत हवा कि पिशाच हवा कि भूत हवा कि कीट हवा कि पतंग हवा ताहा आमे कही पारिबा। आम कर्म जदि उत्तम रहिब आमे उत्तम फल प्राप्त हो। तेणु पिशाच कौचि मते मु जो महान जंत्रणादायक पिशाच जन्म लाभ पाइछि मु पाइछि, हे विप्र देवता मते आपण एथरु उद्धार करब। सुणि ब्राह्मण दया बही प्रेत को पुणी पचारई। ब्राह्मण त मान ब्राह्मणंगर लक्षण होचे दयावान, जो ब्राह्मण दया नाई ता हृदय भितरे से कि ब्राह्मण। तेणु से दयावान होई
पचारे कहले आरे 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 पेट को पचारे कहले आरे माँ 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 बस बस बापा बस कौन है तुम विप्रवाच के कारण हेलो प्रेत कह ये मोग्रत सुनी से प्रेत कहे सत्य तहारी पूर्व जन्म कृत्य ब्राह्मण देवता धर्म शर्मा कौचन्ति हे पिशा प्रेत हे पिशाची तुम्हें ए जन्म एपरी जन्म किपरि लाभ कल तुम्हें कौन कर्म करिथिलो जे तुम्हें ए जन्म रे एपरी पिशाची जन्म लाभ पाइछ तन तन तुम्हें कौन कर्म करिथिलो तुम्हें से कर्म को मते ही मो आगरे कहिबा को ही पड़िबो तेणु से प्रेतात्मा से पिशाची ब्राह्मण देवतांक आगरे निजर समस्त कथा पूर्व जन्मर कथा को से कहुचन पूर्वे मु बहु पाप कली कामिनी कांच न हरिली विशेष सुरा पान करी अनेक लोक मारुथिली कले हे ब्राह्मण देवता कौन कहिबी मु आउ मो कथा आया मो जीवन कौन आपण कौन जानी नांती आपण तो ब्राह्मण देवता आपण स्वयं भगवान विष्णु स्वरूप आपण मु पूर्व जन्म रे अनेक पाप करिछि एवं अनेक पर स्त्री को हरण करिछि पर धन को हरण करिछि एवं अनेक मद्यपान करिछि सुरापान करिछि नानादि कुकर्म रे मु सब बड़े जड़ित थी एवं अनेक लोकंग मध्य मु मारी देछि निजर स्वार्थ हासिल करिबा मद पीवा मद्यपान करिबा अभक्ष भक्ष करिबा मांस मांसादि भक्षण करिबा आमे मनुष्य मांसाशी प्राणी आमे नहु मांसाशी प्राणी हेथले भगवान एतले आमको सृष्टि कले सिंह बाघ जिमिति तांकर दांत अछि आमर सेमिति दांत करिथांते बाबारे बढ़िया करि मांस खा बाबारे बढ़िया करि ये खा मामे सात्विक भोजनकारी तेणु महाप्रभु आम दंत भक्ति की केड़े सुंदर भाव में सजेकरी बतीशी दात दे रसगोला खाइबू खुआपड़ा खाइबू मलई खाइबू पापड़ी खाइबू छेना खाइबू रसाली खाइबू खीरा छेना खाइबू आ अरे बाबा क्षीर पीबू घी खाइबू बृंदा खाइबू आपको न खाईकरी हाड़ गोड़ भिड़िकी जमी हिरण्यकश्यप मध्य ए हिरण्यकश्यप कंसादि जो रक्षा समान सत्य युग में सब थे त्रेतया द्वापर युगरे रावण आदि से माने मध्य अभक्ष भक्ष भोजन करू नथिले आमे जहाँ आजिकल भक्ष करूछु तेणु आम दुख पाइबानी दुख कौन आम पे आउ किए आसब दुख पाइबा आमे ही दुख पाइबा एवं आमर निजर स्वार्थ पे क्या मारी दौचे क्या छुरी फेली दौचे कहार टा हरण कर नहींगली रास्तार गला आसी क्या हरण चाड़ कर भौणी समस्ती आम खराब व्यवहार कले एमंत प्रकार कर्म हे ब्राह्मण देवता मु ए प्रकार मो पूर्व जन्म रे नानादि मद्यपान करी अनेक लोकंकु कष्ट देछि अनेक अभक्ष भक्ष करिछि अनेकंकु दुख देछि तोर मो जीवन एहा ही मोर जीवन एपरि बहु पाप करी जम जातना भोग सारी ए देह पाई अछि मुहि एहार परि प्राण नाही कोन करिबि जेतबले ए कर्म करिए तले बड़ वयस भगी गला आयुष पूरी गला मु सेतबले मरीगली मरीगला परे जमालय को गली जबर जंत्रणा पाइली दंड पाइली पुनर्बार बोरे तिगि पाप करिछि जे पुनर्बार मु पिशाच जन्म रे मु जन्म ग्रहण करी एवं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम एहि परि प्रेत योनि रे मु आसी जन्म ग्रहण करी ए कठोर कष्ट भोग करू आहे दयालु विप्रवर पारिले ए जीव उद्धार हे विप्र देवता हे ब्राह्मण देवता जदि आपण पारिबे मते आसी पचारिछंती आपणंक शरणारविंदरे मु शरण पशिछि आपण जदि पारिबे मते रक्षा करंतु मते उद्धार करंतु तासुणी विप्र प्रतिकार कहिबा करिबा बोहिले उत्तर हस्तरे जल धरिथिले त्रिदान स्नान फल देले आहा ब्राह्मण धर्म शर्मा पंच पात्री रे धरिचंदी जल जल धरिकी जाऊचंदी कहले अरे बिचरा लोकटा आसिकी बिचरा बो चरणारविंद रे शरण पशिलाणी निजर समस्त कुकर्म दाह करिथिबा कर्म समस्त मध्य
से कहिलारी आमे जहा भी कर्म करिछे आमर समस्त कर्म जतबेले आमे अव्यक्त करे आमे व्यक्त करि नाहु से पर्यंत आमे पुनरपि जन्म ग्रहण करिवा तेणु आमे जहा भल कर मंद कर्म करिछे आमे यदि कौनसे एपरि पाप कर्म करिछे से पाप कर्म को यदि आमे परिष्कार भाव रे कहार आमे ताकु आमे परिप्रकाशन करिछे आमर मुख्य मध्य बिलिबो नाय कि मुक्ति मध्य बिलिबो नाय जीव मध्य सहज रे आम शरीर रु छाड़िबो नाय एमिति प्रमाण मध्य बहुत रहिछे आज्ञा जणे लोक आम पिला बळे आमे सुनिछु बड़ डाक्टरखाना रे हैं सेतबळे आमे सेतबळे माने तांकर जीव गलानी शरीर रे पोक चालिला लोक माने कहले अरे तार जीव काय जाउनि डाक्टर मध्य ताकु बहु प्रचेष्टा करे ता जीव मध्य जाउनि सेतबळे सब पंडित गण माने थिले पंडित मान को पचरा गला तो पंडित मान आसी कहले कहले तू कौन करिछु तू जहा करिछु तहा परिप्रकाशन करे तो शरीर रु घट रु जीव जीव ना एवं से जहा जहा करिथिला अपकर्म तहा जेतबले से व्यक्त करि देला तत्क्षणा तार जीवन मध्य चली गला तेणु भगवान आगरे विप्रंका आगरे सब कथा तले कहि देले विप्र दयालु चितरे कहिले तिनि त्रिदिन स्नान करिछंति एवं से त्रिदिन स्नान करि जल को धरी हस्तरे जल धरी थिले त्रिदान स्नान फल देले कले मु तीनी दिन स्नान रा फल मु प्रदान करू जे हे पिशाची तू मुख्य लाभ कर से फले प्रेत रूप छाड़ी दिव्य विमान परे चली जेपरी ता परे जल अभिसिंचर पवित्रम पवित्रवाम सर्वावस्थाम गतो विवाम जेतबले पानी छिचे जाइचंती तार पूर्व प्रेत जन्म रूप स्वरूप पड़ेला एवं से दिव्य विमान आसीता पे पहुंचले एवं से दिव्य विमान रे विराजमान करी से स्वर्ग को यात्रा कला विप्रंकु करी नमस्कार उद्धार हेला ता शरीर तीन दिन स्नान फल नहिला केवे हे भी फल हे महालक्ष्मी कमलिनी तीन दिन यही बड़ मास रे अधि मास रे स्नान करी थिवारु पूर्णिमा अमावस्या द्वादशी एवं किछि नहले मासर शेष तीन दिन स्नान करिथिबार जो फल मिलिथाय सेई फलर पुण्य फल को ब्राह्मण धर्म शर्मा पिशाची को प्रदान करिवारु से पिशाच जोनिरु उद्धार पाई से वैकुंठ प्राप्त हला मास व्रतर फल जाहा नरे हृदय भाव ताहा कहन्ति विप्र नारायण प्रभुंक पदे देई मनो इति श्रीपद्मपुराण पुरुषोत्तम महात्म्यम नाम एकविंशाध्याय कृष्णानंद मुकुंद मुरारे पावन माधव गोविंदम श्रीधर केशव राघव विष्णु लक्ष्मीनायक नरसिंहम। प्रार्थना आमो आनंदर उत्सव।